हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी पीजीटी बिहार पीजीटी वर्ग 11-12 का मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है। यहाँ हम इसका 71 से 150 तक यानी मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, आज यहाँ पर हम इसके आंसर आपको बता रहे हैं और कल तक इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की से मिले हुए आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है, आप इसमें पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। तो देखिए 71 क्वेश्चन क्या है। 71 क्वेश्चन है, एक संबंध आर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय एन पर एन रिलेशन एम यदि एन एम को विभाजित करता है तो द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो 71 का आंसर है ए। क्या है आंसर इसका? स्वतुल्य सममित किंतु सममित स्वतुल्य तथा संक्रमक किंतु सममित नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। 72 का आंसर क्या? निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय नहीं है? तो 72 का आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक सप्ताह के दिनों का संग्रह कौन सा समुच्चय नहीं है ये पूछा। ठीक है, एक सप्ताह के दिनों का जो संग्रह है वो भी समुच्चय है। प्रथम पांच अभाज्य संख्या का संग्रह ये भी समुच्चय है। प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या का संग्रह ये भी समुच्चय है। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इनमें कौन सा समुच्चय नहीं है, यानी कि सभी समुच्चय है। अब देखिए 73, 73 का जो आंसर है वो है ए। ए भी दो समुच्चय है जबकि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो क्योंकि इंटरसेक्शन फाई होने की वजह से उसके अंदर एलिमेंट जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे, तो इसका आंसर है ए। 74, 74 है, यदि एक समुच्चय ए में एन अवयव है, समुच्चय ए पर परिभाषित द्विधारी संबंधों की संख्या है, तो द्विधारी संबंधों की संख्या होती है, इसका आंसर है सी, 74 का सी, 2 की पावर n स्क्वायर। क्या आंसर है इसका? 2 की पावर n स्क्वायर, यानी कि सी इसका आंसर है। ठीक है, 2 की पावर n स्क्वायर। 75 क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, यदि ए दे रखा बी दे रखा तो निम्न में कौन सा एक कि आच्छादक फलन है? तो 75 का जो आंसर है वो है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक इसके आंसर है, जब सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। कल हम इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। मॉडरेट पेपर है, कोई विशेष पेपर ये नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी इनके सॉल्व करें। ठीक है, बाद में जब हम इसका सॉल्यूशन देंगे उससे मिला सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब से करने से क्या होगा कि जैसे हम इसका सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका मैसेज आपको मिल जाएगा और आप सॉल्यूशन से इन आंसर को कंफर्म कर सकते हैं। देखिए 76 क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, इसका आंसर बताना है। 76 का है ऑप्शन ई। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, मैं अब आंसर इसके थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये इंग्लिश वर्जन है, आप इंग्लिश में देख चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं। 77 है, 78 इंग्लिश में ऊपर भी था, मैं हिंदी का ही इसमें बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना। लो जी, ये आ गया 77। निम्न में से कौन सा कथन है? निम्न में से कौन सा कथन है, तो इसमें कौन सा कथन ये बताना। तो 77 का है आंसर ए, गुलाब काले होते हैं, ये कथन है, स्टेटमेंट है। ठीक, कथनों से कहते हैं जो ट्रू भी हो सकते हैं फॉल्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो गुलाब काले हैं तो ट्रू भी, देखिए फॉल्स है गुलाब काले हैं तो ट्रू भी हो सकते हैं फॉल्स भी हो सकते हैं। 78 का है ए, 78 ए और बी तो समुच्चय हैं तो इसका ये वाला आंसर है। 79 का है बी आंसर, 79 का बी, 79 का बी आंसर। ठीक है, एक समांतर श्रेणी का n-वां पद ये है, तो समांतर श्रेणी का 10वां पद है, बस n के स्थान पर 10 रख देंगे, 10 या 30 में 4 आगे 26 आंसर आ जाएगा। कितना इजी पेपर है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है बी, 80 का आंसर है बी, तो 80 का आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 का आंसर है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद 1, और यदि इसके तीसरे पद तथा पांचवे पद का योग 90 है तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनिष्ठ अनुपात होगा। तो 81 का इसका आंसर है A3। ठीक है, बड़े जी पूरा सॉल्यूशन हम इसका प्रोवाइड कराएंगे आपको। निम्नलिखित अनुक्रमों का कौन सा पद 128 होगा? 82 का आंसर C13। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 83। यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 और 5 हो तो द्विघात समीकरण है। 83 का आंसर है बी, ये वाली द्विघात समीकरण।
अब बढ़ते हैं, देखिए ये इंग्लिश वर्जन है, आप ये वीडियो पॉज करके देख लें इंग्लिश वर्जन को, मैं हिंदी वर्जन बता रहा हूँ। 84 का आंसर है सी, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप 84 का सी, 2 - 3 आएगा, गुणाता करते लो। 85 का आई की पावर -35 का मान है 85 का ए। 86 का आंसर है डी, ये वाला। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये वाला कथन सत्य है, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 86 के बाद है 87, 87 का है एन स्क्वायर लेस देन 2n सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, ये वाला ए। तो एन की जगह कोई सा बड़ा नंबर रख कर देख लो, जैसे 6 रखो, 6 × 36 2 × 6 आएगा, 2 × 4 = 8, 3 = 16, 2 ये 2 की पावर जो है ये छोटा आएगा, 2 की पावर 6 बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो 6 रखोगे, 6 × 36 होगा, ये 2 की पावर 6 ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है ए इसका। श्रेणी इतने का मान है, तो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है, हम जानते हैं एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा 88 का सी, ठीक है। 89, निम्नलिखित चरणों में से कौन सा गणितीय आगमन सिद्धांत में अनिवार्य है, 89 का आंसर है बी, आगमन परिकल्पना। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये इंग्लिश वर्जन है, आप वीडियो पॉज करके देख लें इसको। 90, 93, 91, 94, 92 एंड 95। अब देखिए ये है, कुल 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से 5 पुरुष और 2 महिलाओं को लेकर कितने पृथक समूह बनाए जा सकते हैं, 90 का आंसर है सी, 63 बनाए जा सकते हैं। 91, एक पार्टी में 12 लोग हैं, वे सभी पार्टी में बाकी सभी लोगों से ठीक एक बार हाथ मिलाते हैं, तो पार्टी में हाथ मिलाने की कुल संख्या, ठीक है, तो 12C2 इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर इसका आ जाएगा। 91 का आंसर आएगा सी। देखिए ये जो है बुकलेट सीरीज ए है, ठीक है ना, आपकी जो बुकलेट है बी सी डी हो सकती है, यहाँ पे जो बुकलेट सीरीज ए का हम आंसर मिला रहे हैं। 92 का है, 5 पोस्ट बॉक्सों में 10 पत्र कितने प्रकार से डाले जा सकते हैं, यदि पोस्ट बॉक्स 10 से अधिक पत्र आ सकते हैं, तो 92 का जो आंसर है सी, यानी कि जब कोई प्रतिबंध नहीं होता तो एन की पावर आर होता है। 93 का देखिए, 93 का है, किन्हीं 3 असंरेख बिंदुओं को युग्म में जोड़ने पर 1 त्रिभुज बनता है, यदि एन असंरेख बिंदु हो तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो इसका 93 का जो आंसर है वो है बी, 93 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, इतने के द्विपद विस्तार में चौथा पद बताइए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 94 का है ई, इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं आएगा। 95 की पावर 5 की वैल्यू है, ठीक है, 100 - 9, 100 - 1 करके इसका एक्सपेंशन करेंगे, आंसर इसका मिलेगा। 95 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये इंग्लिश वर्जन है, 96, 99, 97, 100, 98, 101 और 96। देखिए क्या इतने की वैल्यू है, इसको एक्सपेंशन कर देंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी। 96 का आंसर है सी, 97 लॉग बेस 10 है, एक्स माइनस 10 1 है, तो एक्स की वैल्यू हमसे पूछिए, 97 का आंसर है सी। 98 का आंसर है बी, 98 का आंसर क्या है बी, ये वाला लॉग 2 + 3 = लॉग 2 × 3, क्योंकि एम गुणा एन का फॉर्मूला है। 99 का है, 99 का आंसर है बी, 256/81। देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है, कुछ फेमस क्वेश्चन है ये तो। और देखिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, अगर जिसने टेस्ट सीरीज हमारी लगाई होगी उसने पूरे के पूरे क्वेश्चन छापे होंगे। 100 का है, इतने की वैल्यू पूछिए, यानी -2। 101 का आंसर है सी, p² + q², देखिए ये भी बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है।
क्योंकि मुझे कल इसका पूरा सोल्यूशन कराना ही है, तो अब मैं आंसर जल्दी बता रहा हूँ। देखिए 102 है, ये 105, 103, 106, 104, 107, और ये है 102 का लोटो की वैल्यू। 102 का जो आंसर है वो है सी। 103 का अनंत श्रेणी, इतने का योग, सीधा फॉर्मूला लगाएं ए अपॉन वन माइनस आर, 103 का आंसर है सी। ये वीडियो पॉज करके आप देख लेना, 104 का जो आंसर है वो है ई। 105 का आंसर है, यदि ये आंसर दे रखा है तो 105 का आंसर बनेगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 106 का आंसर है बी, 107 का आंसर है ए, 107 का बी बनेगा, 107 के बाद देखिए 8 आ गया, 111, 109, 112, 110, 113, इंग्लिश वर्जन है ये, 108 का आंसर है सी, 108 का आंसर सी, 512, 109, देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, 109 का आंसर है ए, 3, इधर रखा तो के का मान 3 आ जाएगा, 110 का जो आंसर है वो है सी, 110 का आंसर सी, 111 का आंसर है, 111 का आंसर तुम्हारा बनेगा बी। यूक्लिड सीरीज यहाँ पे ए का बता रहा है, 111 का आंसर है बी, 112 का आंसर है ए, ये आराम से इसकी वैल्यू है, 113 का जो आंसर है वो है बी, 114 का आंसर है, 114 का जो आंसर है वो है बी, 115, हाँ 114 ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है मैं हिंदी वर्जन में इसके आंसर बताऊंगा, 114, 117, 118, 115, 116, 119 और 114 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। ठीक है, 115 का आंसर है सी, 116 का आंसर है, 116 का आंसर है ए, ठीक है फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है बहुत इसका आंसर सबको पता होगा, 117 का आंसर है सी, 117 का सी। आगे देखते हैं, 118 का आंसर है ए, 119 का आंसर है बी, आगे बढ़ते हैं, 120 का देखिए आंसर है सी, 120 का आंसर सी, 100 हाँ ये इंग्लिश वर्जन है, 120, 123, 121, 124, 122, 125, तो 120 का आंसर क्या था सी, 121 का आंसर है सी, और 122, 122 का आंसर है ए। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है, कोई बेसिस वो नहीं है, 123 का आंसर है ए, 124 का आंसर है सी, 125 का आंसर है, दो समांतर रेखाओं की पूर्णताओं का अंतर होता है, 125 का आंसर है बी, 0, क्योंकि समांतर रेखाओं की पूर्णताएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब आते हैं 126 में क्वेश्चन, तो देखिए 126 इंग्लिश वर्जन है, 126, 129, 127, 130, 128, 131 और ये आ गया 126, 126 का आंसर है ए, 127 का आंसर है बी, 128 का आंसर है सी, 129 का आंसर है बी। केंद्र 0 एक्स अक्ष और नाभिक के साथ उत्तल का समीकरण ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का समीकरण है, 130 का आंसर है बी, 131 पर जाते हैं अब हम, लीजिए आ गए 131, 131 का आंसर है, लिमिट का क्वेश्चन है, 131 का आंसर है बी, 132 देखिए इंग्लिश लैंग्वेज मांगे, 132, 135, 133, 136, 134, 137, लो जी 132 का आंसर है सी,
133 का आंसर है बी, 134 का आंसर बी, और 135 का आंसर बी, 136 का आंसर बी, 137 का आंसर है ए, 138 का आंसर देखिए 138, 139, 138, 141, 139, 142, 140, 143, अब आगे 138 का देखिए आंसर हम बता देते हैं, 138 का आंसर है, 138 का आंसर है बी। ये बता दिया था क्या मैंने, ये यहाँ हो गया था, हाँ 137 तक हो गया था, और 138, 139 का आंसर है, 139 का आंसर है डी, 140 का आंसर है बी, 141 का आंसर है, फेमस क्वेश्चन है ये, 141 का आंसर बी, और 142 का आंसर बी, 143 का आंसर है, 143 का आंसर बी, 144 आ गया, 47, 148, 145, 146, 150 यानी लास्ट पेज है ये, 144 का आंसर है बी, 145 का आंसर है ए, और 146 का आंसर है, 146 का आंसर है ए, 147 का आंसर है बी, गलत टिक लग गया, 147 का बी, 148 का आंसर है सी, 147 का आंसर है कौन सा सी, 149 का आंसर सी, 149 का आंसर सी, और 150 का जो आंसर है वो है ए। तो देखिए इस प्रकार से हमने जो है अभी केवल आपको जो है आंसर बताए हैं 71 से लेके 150 तक के मैथमेटिक्स के, इसका पूरा सॉल्यूशन कल हम आपको शाम तक इसका प्रोवाइड करा देंगे। अभी फिलहाल जो आंसर के आधार पर आप इनको सॉल्व करें, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या किसी प्रकार का कोई भी हो तो आप पूरा सॉल्यूशन देख के पता लगा सकते हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसके पूरे सॉल्यूशन का जैसे ही हम अपलोड करेंगे उसका मैसेज आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।